तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को सबमरीनों को लेके दो महत्वपूर्ण और बड़े अपडेट के बारे में बताऊंगा। जहां पे सबसे पहला अपडेट तो मज़ेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के तरफ से बनाए जाने वाले 40 टन वजन के अनमैन सबमरीन को लेके है, जबकि वीडियो के सबसे आखिरी हिस्से में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से किलो क्लास और कलवरी क्लास सबमरीनों को और मजबूत करने का तैयारी किया जा रहा है और कैसे इसमें नेक्स्ट जनरेशन के लिथियम आयन बैटरीज के इस्तेमाल करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडिया में कलवरी क्लास सबमरीनों को निर्माण करने वाला कंपनी मतलब स्टेट ओन मज़ेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड हाल ही में ही ग्लोबल फार्म्स के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया है, जिसमें असल में मज़ेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड एक एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन अंडरसी व्हीकल को डिजाइन डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्ट करने के लिए ग्लोबल फार्मों से कोलैबोरेशन चाहता है। बेसिकली इस तरीके के व्हीकल का इस्तेमाल माइन काउंटर मेजर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्राइक मिशनों में किया जाएगा। मज़ेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के तरफ से यह भी बताया गया है कि एक्सएल यूयूवी या फिर कहे तो एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन अंडरसी व्हीकल असल में बेड़े के बढ़ते हुए अंडरसी ऑपरेशनल अवेयरनेस और पेलोड डिलीवरी के डिमांड को पूरा करने को लेके है। इवन दोस्तों इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में व्हीकल के की एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जानकारी दिया गया है, जिनमें इसका एक्सटेंडेड रेंज होना, ऑटोनोमस होना और परसिस्टेंस होना आवश्यक है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो एक्सएल यूयूवी है ये कई तरीके के ऑपरेशनल एरियाज में या फिर कहे तो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होगा, जिनमें कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने से शुरू करके पेलोड को डिप्लॉय करना और कई तरीके के प्री प्रोग्राम मिशनों को अंजाम देने से शुरू करके ट्रांसिट होम के मिशन तक शामिल होगा। इवन इसके अलावा जानकारी ये भी दिया जा रहा है कि ये जो लॉन्ग रेंज अनमैन अंडरसी व्हीकल है इसके इस तरीके के अलग अलग मिशनों को अंजाम देने के लिए इसमें एक यूजर एनेबल्ड रिकन्फर्मेबल पेलोड बे भी होगा। और दोस्तों नेवी के अधिकारियों के लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो है कि इस तरीके के व्हीकल के लॉन्च, ऑपरेट, रिकवरी और कम्युनिकेशन को होम बेस मतलब नेवी के बेसेस से ही अंजाम देना संभव है, जिससे एक तरीके से खतरे से बाहर रहना भी पॉसिबल होगा। इवन दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल दुनिया में अवेलेबल अनमैन अंडरवाटर व्हीकलों के मुकाबले में ये जो एक्सएल यूयूवी है इसमें अधिक इंटरनल और एक्सटर्नल पेलोड वॉल्यूम होगा, मतलब ये अधिक पेलोड को कैरी कर सकेगा और साथ ही साथ इसके पास इतना एनर्जी कैपेसिटी होगा कि एक्सटेंडेड रेंज में ये काम कर सके। व्हीकल में एक एडवांस ऑटोनोमी एनेबल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस तरीके के व्हीकल को पानी के नीचे लंबे दूरी तक महीने भर से भी अधिक समय तक काम करने में मदद कर सकेगा। साथ ही साथ ये ट्रेडिशनल यूयूवी मतलब अनमैन अंडरवाटर व्हीकलों के मुकाबले में अधिक अफोर्डेबल और मिशन कैपेबल भी होगा और अधिक वैरायटी रेंज में ऑपरेट भी हो सकेगा। दोस्तों ये जो एक्सएल यूयूवी प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत जो अनमैन सबमरीन बनाया जाएगा इसे अनमैन सबमरीन कम लेकिन मिनी सबमरीन अधिक कहा जा सकता है, क्योंकि अभी से ही बताया जा रहा है कि आकार में इतना छोटा नहीं होगा बल्कि काफी बड़ा होगा और इसका वजन करीब करीब 45 से 50 टन के दरमियान हो सकता है। इवन इसका रेंज को भी बताया जा रहा है कि 6,500 नॉटिकल माइल मतलब करीबन 12,038 किलोमीटर तक हो सकता है और ये सिंगल फ्यूल में मतलब एक बार ईंधन भरने के बाद एक महीने तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। और दोस्तों इससे इस तरीके के अनमैन अंडरवाटर व्हीकल को एक मिनी सबमरीन के जैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इवन बताया जा रहा है कि इसमें जो सेंसर्स और हथियारों के साथ साथ ऑटोनोमस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा वो लगभग मिनी सबमरीन के ही बराबर का होगा, जबकि दूसरी तरफ अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं आया है और ये भी खुलासा नहीं किया गया है कि ये स्टेल्थ व्हीकल होगा कि नहीं, पर काफी अधिक संभावनाएं हैं कि ये अंडरवाटर व्हीकल स्टेल्थ कैपेबिलिटी से लैस हो। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब किलो क्लास और कलवरी क्लास सबमरीनों को और मजबूत करने के नए उपाय के बारे में जानते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि किलो क्लास और कलवरी क्लास के सबमरीन में संभावित जल्द ही नेक्स्ट जनरेशन के लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाए। असल में दोस्तों इस बात का खुलासा तब हुआ जब साल 2020 में इंडियन नेवी के तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया, जो बेसिकली एक हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी सिस्टम के डेवलपमेंट को लेके है, जो कि इंडियन नेवी के एग्जिस्टिंग सबमरीनों में इस्तेमाल होगा। और बताया ये भी जा रहा है कि इसके डेवलपमेंट के काम लोकल वेंडरों को ही दिया जाएगा और साथ ही साथ इनका इस्तेमाल करके फिलहाल इंडियन नेवी में जो सर्विंग सबमरीन्स है उसके लेड एसिड बैटरीज को रिप्लेस किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अब नेवी के तरफ से वेंडर का सिलेक्शन करना बाकी है और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी को भी चुनना बाकी है। इसके बाद एक तरीके से आगे बढ़ने का अनुमति दिया जाएगा ताकि एक कॉम्पैक्ट लिथियम आयन बैटरी पैक के डेवलपमेंट हो सके। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये संपूर्ण रूप से इंडियन नेवी के बेड़े के लेड एसिड बैटरीज को रिप्लेस कर देगा और इसका सबसे पहला इस्तेमाल रशियन सप्लाइड किलो क्लास सबमरीनों में यूजर ट्रायल पर्पोज के लिए किया जाएगा और अगर यूजर ट्रायल के बाद इसे सेफ और सेटिस्फाइड
क्लासिफाइड देखा जाता है तो इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी के बेड़े के किलो क्लास सबमरीनों के साथ साथ कल्वरी क्लास सबमरीनों में भी किया जाएगा। दोस्तों लिथियम आयन बैटरी को बैटरी के टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है। बेसिकली इस तरीके के बैटरी लेड एसिड बैटरी के तुलना में हल्के भी होते हैं और कम हीट जनरेट करता है, जबकि ये एंड्योरेंस के मामले में भी लेड एसिड बैटरी के मुकाबले में करीबन 3 गुना अधिक है। और बताया जाता है कि जहां पे लेड एसिड बैटरी 48 से 72 घंटे एंड्योरेंस के होते हैं तो वहीं पे ये लिथियम आयन बैटरी करीबन इससे 3 गुना अधिक समय तक सबमरीनों को ऑपरेट करने में मदद कर सकता है। जबकि दोस्तों लेड एसिड बैटरीज के मेंटेनेंस का भी आवश्यकता अधिक होता है और साथ ही साथ इस तरीके के बैटरी की सर्विस लाइफ भी काफी कम होता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी कम मेंटेनेंस के साथ लंबे समय तक चल सकता है, जो एक तरीके से सबमरीनों के समुद्र के अंदर अधिक समय तक रहने को भी इंश्योर करता है। इवन इसके अलावा बताया ये भी जाता है कि लिथियम आयन बैटरी लेड एसिड बैटरी के मुकाबले में अधिक पावर आउटपुट भी दे सकता है और सबमरीन को अधिक शक्ति भी प्रदान कर सकता है। बेसिकली दोस्तों लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरीज में अगर देखा जाए तो लिथियम आयन बैटरीज का एक डिमेरिट है, वो है इसका कॉस्ट। और इस तरीके के बैटरी अधिक प्रचलित ना होने के कारण ही इसका कॉस्ट इतना अधिक है। और एक्सपर्टों के रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि नया जनरेशन के सबमरीन में लिथियम आयन बैटरी का ही कीमत टोटल सबमरीन के 25-30% कीमत के बराबर होता है, जबकि अगर इन बैटरीज को पुराने सबमरीनों में इस्तेमाल किया जाता है तो ये पुराने सबमरीन के जो एक्वायर करने के समय कीमत था उसका 50-60% कीमत के बराबर तक हो सकता है। दोस्तों फिलहाल दुनिया में दो ही देश है जो लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल अपने सबमरीनों में कर रहा है, इनमें जापान और साउथ कोरिया का नाम ही शामिल है। और दोस्तों ये दोनों ही देश खाली लिथियम आयन बैटरीज का ही इस्तेमाल अपने नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीनों में नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बदौलत इन दोनों देशों के सबमरीन लंबे समय तक इवन कई कई बार तो 2 हफ्ते तक भी पानी के नीचे लगातार तैर सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर भारत लिथियम आयन बैटरीज के टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सफल होता है तो भारत को दुनिया के ऐसे तीसरे देश माना जाएगा जो सबमरीनों में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करेगा। और अगर भारत के द्वारा इन बैटरीज को अपने किलो क्लास के सबमरीनों में इस्तेमाल किया जाता है तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जो नेक्स्ट जनरेशन के लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करीबन 2-3 दशक पुराने सबमरीनों में करने में सफल देश बनेगा। इवन दोस्तों इससे आने वाले समय में भारत के जो खुद के इंडिजिनियस सबमरीनों के प्रोजेक्ट है उसमें भी काफी अधिक मदद मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीनों के डेवलपमेंट के लिए ऐसे टेक्नोलॉजीज का आवश्यकता होता है। और अगर किलो क्लास के सबमरीनों के लिए लिथियम आयन बैटरीज का डेवलपमेंट होता है या कल्वरी क्लास के सबमरीनों के लिए होता है तो ये आवश्यक रूप में भारत के इंडिजिनियस क्लास के सबमरीनों में भी इस्तेमाल हो सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों भारत जो प्रोजेक्ट 75i सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है उसमें भी भारत की तरफ से अधिक मात्रा में इंडिजिनियस इक्विपमेंटों के इस्तेमाल का भी इरादा बनाया गया है। ऐसे में लिथियम आयन बैटरीज के टेक्नोलॉजी अगर इन सबमरीनों के डेवलपमेंट से पहले ही तैयार हो जाता है तो भारत इसमें भी स्वदेशी लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल कर सकेगा, जो एक तरीके से सबमरीनों के प्रोजेक्ट के कॉस्ट को घटाने में भी मददगार होगा और साथ ही साथ सबमरीनों को अधिक इंडिजिनियस इक्विपमेंटों से लैस कर सकेगा, जिससे भविष्य में सबमरीनों के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भारत को कम से कम फॉरेन वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।